श्रीमाराधारी गोविंद यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन यमुनादी रावण नारी यमुनादी रावण नारी यमुनादी माधव कुंड बिहारी विष्णुवाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोदर सद श्री श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की रामनवमी महामहोत्सव की हिदाय गोट प्रेमानंदे हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 यदि हम लोग प्रतिदिन रामायण के पारा में भक्त कर सकती है इतनी मुझे है ये इतने बहुत छोटे नहीं बड़े हो गए हमारे यहाँ परिचय हुआ सबसे पहले हम लोग दादी की यात्रा कर रहे थे मेरे ख्याल 2005 2005 समथिंग 2000 2005 में तो हेमा मालिनी के समय उधर आप लोग आए थे हाँ 20 साल पहले राम मंदिर में शुरू किया हमने लोग
गीता पढ़ते थे उसका दृष्टि उन्होंने हाथ में और गंदी बात सुनाई। इसके बाद उन्होंने ट्रेन किया ऐसे भाषण चलाया गया कि पहला पीवा के स्पोर्ट में माइस्टर बनूंगी बेसिक कोर्स मेरे ख्याल से एक बार क्या हुआ बैकुंठ से पानी पी गई ध्यान जुटा तो आज घर में सुनकर ढंग से एक बात पी गई कुछ नौकरों की जरूरत है यहाँ पगार उसने हनुमान जी का किया कुछ इंटरव्यू में कर इंटरव्यू में फॉर्म आया जो दिखा गया वॉट इज योर मेटीरियल क्वालिफिकेशन जीरो What is spiritual qualification? Zero. What is your past background? Great opinion. Which is the name of the name? In Gujarat, in किया और जैसे बहुत से आर्टिफिशियल सिस्टम क्या करते हैं वो वीडियो लगा के टीवी लगा के लोगों को उन्होंने सेशन में शो करना चालू कर दिया। आज जगह जगह भरूच में नरसारी में अंकलेश्वर में और कई सेंटर्स में इस प्रकार से पूरा पूरा सेटअप उसके चालू हो गया। भरूच में उन्होंने मंदिर बन रहा है और बहुत मुश्किल है कितना मुश्किल है हमारी 12 एकड़ बताया था ये शाम को निकलते थे वहाँ से प्रोग्राम देने के लिए प्रोग्राम खत्म किया रात की 4:30 पढ़ी रुपये में चले गए और पहुँच गए दिन पढ़ाई कितनी की है क्या अंदाजा लगाते हैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं है अंग्रेजी पढ़ी नहीं है कि मैंने अनेकों किताब पढ़ के अंग्रेजी पढ़ के और इसको कितना भक्ति देना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए घर में ये करना चाहिए वो सारा दिन पढ़ के रहते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य है आज लोगों के साथ देखते हैं यहाँ पे उसकी का प्रचार हुआ है उसका बीज या संस्कार से हमारे लिए बड़े बड़े की बात है प्यार का अच्छा इनके जो प्रवचन भी हैं चाहे वो महाभारत के रिलेटेड हों गीता के रिलेटेड हों रामचंद्र के हों इतने विदाइश का जो प्रवचन है अपने पब्लिक उसके अंदर है तो हमको अपने आश्रम में यही बात कही कि असंभव हो यदि भी रहते चंद्र और राजियों में नहीं भविष्य तो उन्होंने पढ़ा के नहीं सर प्रॉब्लम क्या है अभी आई एस में जाए करके वहाँ से थोड़ी नहीं हमारे पास आने के लिए वहाँ से मिलूंगा निवेदन आप आएगी हरे कृष्ण बात की जय जीरो तो आज हम रामायण पर चर्चा करेंगे इसलिए कि बुधवार को रामनवमी है कोई भी उत्सव होता है तो उत्सव मनाने से पहले अगर हम उनके बारे में सुनते हैं तो उत्सव पूरा भावनाओं के साथ
मनाते हम लोग। उत्सव की सफलता किसमें है? कोई उत्सव होता है उसकी सफलता किसमें है? उत्सव की सफलता है कि जिस विषय में उत्सव हमने मनाया था वो हृदयगत होना चाहिए, हृदय में धारण होना चाहिए। इसके बारे में एक प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, भीष्म देव देह त्याग का उत्सव, वो भी एक उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है वैकुंठ जाना। भौतिक जगत में देह त्याग मतलब बहुत दुखी अवस्था भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैकुंठ जाने की यात्रा करते हुए शरीर त्याग करना महा उत्सव है। तो भीष्म देव ने जब शरीर त्याग किया तो भीष्म देव को सुनने के लिए समस्त मुनि लोग आए थे पूरे ब्रह्मांड से। उनको पता था कि भीष्म देव भगवान कृष्ण के साथ उनका जो पूरे जीवन में आदान प्रदान है वो अनुभव शेयर करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन जो ऋषि मुनि आए उन सबको पता था कृष्ण भगवान है, लेकिन पितामह भीष्म का अपना जो अनुभव है पूरे जीवन तक उन्होंने कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया वो अनुभव शेयर करेंगे। तो उन्होंने समझे, पितामह भीष्म ने कृष्ण भगवान के संबंधित जितने भी अनुभव से वो प्रवचन दिए और शरीर त्याग किया। तो उसके बाद पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जब मुनि गए तो क्या लेके गए? तो कहे तुष्ट मुनिरियो रिष्टा, तुष्ट मीन्स सभी ऋषि मुनि संतुष्ट हुए। क्या हुए? कृष्ण तद्गुह्य नाम भी, भगवान कृष्ण के नाम गुण इत्यादि सुनकर क्या हुए? तो एक शिक्षा यहाँ मिलती है हमें कि हम हृदय से तुष्टु मुनियो रिष्टा, हृदय में बड़ा संतुष्टि का अनुभव हुआ। क्या करने से? कृष्णम तद्गुह्य नाम भी, कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं इत्यादि का गुह्य, ये सब गुह्य है, राज विद्यम राज गुह्यम, तो श्रवण करने से। फिर क्या हुआ? तत्से कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रयुग पुनः, पुनः मीन्स वापस चले गए अपने आश्रम में, कृष्ण को हृदय में धारण करते हुए। किसको धारण करते हुए? भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करके गए। तो बुधवार को हम आएंगे, रामनवमी मनाएंगे, तो रिटर्न में जब घर जाएंगे तो हृदय में राम को धारण करके जाना है। ये उत्सव की क्या है? सफलता है। नरसिंह चतुर्थी आएगी, नरसिंह देव भगवान को हृदय में धारण करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा, और श्रवण से भावनाओं का उद्भव होता है, उसको आगे हम समझेंगे। तो मैं कुछ रामायण की कथा कहूँगा और कथा से शिक्षा क्या प्राप्त करनी है। पूरी रामायण शिक्षाओं से भरी हुई है, बहुत लंबा टॉपिक है। मैंने कोरोना के काल में पूरा रामायण के ऊपर ऐसे 20 सेशन में सेमिनार दिया था, 20 घंटे का पूरा। तो सबसे पहले कथा आती है लिखने की कथा, ये वाल्मीकि रामायण लिखित रूप में कब आई, कैसे आई? तो रामायण में वर्णन आता है कि वाल्मीकि मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने शिष्यों को हमेशा भगवान का गुणानुवाद सुनाते रहते थे हमेशा, और बड़े आनंदित रहते थे उसमें। उसी समय नारद मुनि आए और नारद मुनि ने उन्होंने दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा। कैसे गुणों से युक्त के बारे में? जो दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति है और इस पृथ्वी पर कौन है? तो नारद ने बताया इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र राम है। और नारद जी ने दिव्य गुणों का वर्णन वाल्मीकि मुनि को किया और करके वो चले गए, और वाल्मीकि उन्हीं विचारों में मग्न थे। किन्हीं विचारों में? वो राम के दिव्य गुणों में विचारों में सोच रहे थे। और फिर ऐसे विचारों के साथ वो अपने शिष्यों को लेकर भारद्वाज इत्यादि, भारद्वाज उनके शिष्य हैं, द्रोणाचार्य के पिताजी वाल्मीकि के शिष्य, वाल्मीकि के जो पिछला जो बैकग्राउंड बताया कई बार की वालियों लुटा रहे थे, तो वो 7 जन्म पहले का है, 1 जन्म पहले का नहीं है,
ऐसा बताया वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के पुत्र है एक जगह स्कंद पुराण में। उससे पहले वो ऋषि मुनि थे, उससे पहले वो ब्राह्मण थे, और 7 जन्म पहले वो उनका जीवन है नारद मुनि के संग से प्रभावित हुए। लंबा इतिहास है, अलग अलग पुराणों के संबंधित है, अलग अलग कल्प के संबंधित, लेकिन इस जन्म में तो परम ऋषि थे पहले से ही। तो वो शिष्यों को स्नान करने के लिए गए नदी किनारे, तमसा नदी के स्थायी थी ऐसे नदी किनारे गए, और भगवान राम के विचारों में नारद जी ने गुण गाए, वो भगवान राम के विचारों में लीन थे। उसी समय एक सारस पक्षी, सारस गुजराती में सारस बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, सारस कौंच, कौंच नर और मादा मीन्स स्त्री और पुरुष मैथुन कार्य में वो दोनों मग्न थे। उसी समय एक पारधी ने बाण मारा, तो वाल्मीकि ऋषि के हृदय में करुणा थी, वो तो संत थे, ए बेचारे को कैसे मारा ऐसे, और उन्होंने वो पारधी को श्राप दिया कि वो आजीवन कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि दो निर्दोष पक्षियों को तुमने मारा है। श्राप जो था वो काव्य के रूप में प्रकट हुआ था, किसके रूप में प्रकट हुआ, काव्य के रूप में, 8 अक्षर थे उसके अंदर। उसके बाद वो श्राप देने के बाद उनको बड़ी थोड़ी हृदय में ग्लानी हुई कि मैं बिना काम के क्रोध का भोग बन गया, क्योंकि सभी जीवों का अंततः तो रक्षण और मृत्यु किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। इस तरह से पश्चाताप कर रहे थे, और भारद्वाज मुनि को ये बताया कि शिष्यों मेरे जो वाणी निकली उसमें 8 शब्द थे और वो काव्य के रूप में था, इसका संकेत क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। तभी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा ये काव्य से महाकाव्य की रचना होगी, इस तरह से उनको बताया। और फिर उन्होंने बताया कि आप भगवान राम के शुद्ध चरित्र का लेखन कीजिए, लेखन। हालांकि नारद जी ने लगभग 20 से 25 श्लोकों में राम का गुणगान बताया, कितने श्लोकों में, 20 से 25, और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि आप मेरी कृपा से, वो चिंतित थे कि कैसे लिखूंगा, मैं तो ज़्यादा जानता ही नहीं राम के बारे में, खाली 24 श्लोक ही जानता हूँ, 24,000 श्लोकों में लिखना है तो कितना समझना पड़ेगा। बोला ब्रह्मा जी चिंतित होने की कोई बात नहीं है, मेरे वरदान के प्रताप से जो भी राम की लीलाएं आपके लिए अज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगी, और आपके हृदय के अंदर स्पष्ट रूप से मेरे अनुग्रह से प्रकट होगी, इसलिए और वो रामायण दोष रहित होगी, उसमें कोई दोष नहीं होगा, आप चिंतित मत करिए। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है हमें, क्या शिक्षा है कि अगर गुरु की कृपा होती है तो समस्त वेदों का जो एसेंस है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, प्रकाश संत ही महात्मा, महात्माओं के हृदय में प्रकाशित हो जाता है दिव्य ज्ञान, गुरु पूजन में कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इस तरह से। और भी बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि न ग्रायम भविन्द्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवे स्पुर्यता। फिर वो भी बताया भक्ति आमा भवी जानाति यावांच अस्मि तत्वता ततो माम ततंते विशदे तत् अंतरम इत्यादि। तो गुरु की कृपा चाहिए। देखो ज्ञान जो है वो एक थियोरेटिकल पढ़ना एक अलग चीज है, और उसका साक्षात करके अनुभव करना वो दूसरा स्टेप है। जब साक्षात्कार होता है ना तो फिर उसको प्रैक्टिस में लाने की प्रबल इच्छा होती है। जब तक ज्ञान साक्षात्कार नहीं है हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे और ना ही उस ज्ञान का प्रैक्टिस लाइफ में अप्लाई करेंगे। भाई मेरे को साक्षात्कार हुआ है कृष्ण भगवान है तो मैं लाइफ सरेंडर करूंगा ना, खाली में लेक्चर में आते सुनता हूँ हर रविवार को, हाँ कृष्ण भगवान है भक्ति करनी चाहिए, हाँ करनी सीरे लाते हैं, हाँ करनी, लेकिन सीरियस नहीं होते हैं क्योंकि साक्षात्कार नहीं। और साक्षात गुरु की कृपा से होगा, किसकी कृपा से होगा, तो ये पहली शिक्षा इधर दिया। अब फिर क्या हुआ, वो तो लिख तो दिया उन्होंने सिस्टमेटिकली राम की कथा, उत्तरकांड छोड़कर सब प्रकट हो गया है। क्या हो गया है, सब प्रकट, छोड़ दीजिए बच्चों को अपनी इस मस्ती में छोड़ दीजिए, ये तो बहुत कम आवाज़ है, कुरुक्षेत्र में तो इससे ज़्यादा आवाज़ था, फिर भी अर्जुन ने देखा नहीं
कौन बच्चा रो रहा है मतलब धम धोकाट था ऐसे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को अलाउ किया जाए इस तरह हम अर्जुन के समान नहीं है और डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, माताओं को चाहिए थोड़ा ध्यान रखें। और ऐसे बच्चे वाले लास्ट में बैठ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवे, तो वाल्मीकि मुनि के हृदय में उत्तरकांड को छोड़कर सभी लीलाएं कर्मसर स्पर्श और ऐसे फ्लो में प्रकट हो गई। ऐसे ऐसा लग रहा है वो गुजराती में कंप्यूटर में टाइप किया हुआ था ना, और एक के बाद एक श्लोक आता है, एक के बाद ऐसे वाल्मीकि की हृदय में आ गया ब्रह्मा जी की कृपा से एक्चुअली ऐसे, और उन्होंने रचना कर दी। अब रचना करने के बाद प्रश्न होता है कि भाई कोई ग्रंथ लिखता है तो दूसरा इरादा क्या होता है? आप कोई पुस्तक लिखता है तो व्यक्ति का इरादा क्या होता है? कोई पढ़े नहीं तो क्यों लिखूं भाई? मैं पुस्तक लिखूं कोई पढ़े नहीं तो मुझे आनंद आएगा? नहीं आएगा। बोला ये जो है किसको किसको मैं पढ़ाऊं और फिर उसके बारे में प्रसारित करूं एक्चुअली ऐसे। तो ऐसे सोच रहे थे उसी समय लव और कुश दोनों वाल्मीकि के आश्रम में थे और वो सुबह चरण स्पर्श करने के लिए आए, जो उनका रूटीन था। चरण स्पर्श किया और उनकी नज़र उन पर पड़ी, परमात्मा ने क्लिक किया, ये दो व्यक्ति है जो रामायण को अच्छी तरह समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इनको तू दे दे। और उन्होंने लव और कुश को बहुत ध्यानपूर्वक भगवान राम की लीलाओं का प्रशिक्षण दिया और उन्होंने भी एक समर्पण शिष्य की भांति तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेश्यन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम। समर्पण शिष्य की भांति वो ज्ञान लिया, जिस तरह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामायण का ज्ञान साक्षात्कार हो गया उनके, ऐसे ही लव और कुश के हृदय में भी भगवान की दिव्य राम की लीलाएं हैं वो भी प्रकाशित हो गई। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ये हमारे प्रयास पर नहीं, गुरु के आशीर्वाद के ऊपर साथ निर्भर भी करता है, हमारे प्रयास के साथ साथ तब प्रकट होते हैं, और उसमें समर्पण चाहिए खास करके। तो समर्पण के बारे में दो कथा है, एक महाभारत में भी प्रसंग है कि गुरु के प्रति समर्पण है तो वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, वेदों का तात्पर्य समझ में आ जाता है। और दूसरा रामानुसारी के शिष्यों की दो कथा है, एक का नाम है कुरेश और एक का नाम है दासरथी। ये दोनों रामानुचार्य के पास गए और बोला ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सरोज आम तमाम सर्व पापियों मोक्षामी मां सूचा। ये श्लोक क्या कहना चाहता है, जब इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। रामानुचार्य बोला मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ कामों में, थोड़ा समय जाने के बाद मैं बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसे ही वो दोनों भूल गए, दोनों भूल गए, शिष्य भूल गए और रामानुचार्य को माइंड में था। तो थोड़े समय के बाद रामानुचार्य ने बोला ये खेत में काम है, वो खेती करो। क्या करो? तो एक को तो खेती करते करते श्लोक का साक्षात्कार हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य क्या होता है, हाँ साक्षात्कार हो गया। तो ऐसा जरूरी है कि वेद पढ़ने से ही ज्ञान का साक्षात्कार होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि हम इतने समर्पित नहीं हैं इसलिए। फिर दूसरा शिष्य था दासरथी, उसी समय उनके गुरु की पुत्री कुछ कंप्लेन लेके आई कि ससुराल में बहुत समस्या है, नौकरानी मिलती नहीं है, बहुत समस्या होती है घर में, आप कुछ कीजिए मेरे लिए। दासरथी को बोला जाओ नौकरानी का काम करो, कचरा पोता करो, बर्तन धो, मिनियल सेवा कहते हैं इसको, मिनियल सेवा, झाड़ू पोता लगाना इत्यादि। तो गया और करने लगा, गुरु आ गया थी। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मायावादी आया, विख्यात मायावादी था, और बहुत सभा इकट्ठी की गई और बताया भगवान निराकार है। और ये पद्मी बहुत बड़ा पंडित थे, ये दासरथी बहुत विद्वान, उनका नाम है रामानुचार्य शिष्यों में। तो उन्होंने शास्त्र से खंडन करके उस विद्वान पंडित को हरा दिया। जब उनको हरा दिया लोग सोचने लगे यार हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा पंडित कहाँ से आ गया। फिर पता करने लगे ये तो रामानुचार्य के शिष्य है भाई, और अपने गुरु की पुत्री की सेवा में लगाया है। सब लोग मिल के गए भाई इनको आप प्रचार की सेवा दीजिए, ये हमारे घर में रहने योग्य नहीं, हमको पता ही नहीं था,
इस तरह से है। तो वो गुरु पुत्री की घर में है, वो मिनियल सेवा करने से उनको साक्षात्कार हो गया कि सर्व धर्मात् पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। तो गुरु आ गया, गुरु ने बोला है करना है, तो गुरु आ गया, पालन किया तो हो गया। ये पॉइंट है। अब क्या हुआ, लव और कुश ने इसको कंठस्थ कर लिया, रामायण को, पूरी रामायण को कंठस्थ कर लिया, और कंठस्थ करके उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर रामायण का गान करते थे, दोनों परम आनंद में रहते थे। करते 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 ये लोग दोनों अयोध्या पहुंच गए। कहां पहुंच गए, हाँ, और भगवान राम को पता लगा कि अपने नगर में, अयोध्या नगर उस समय, हमारे नगर में अंदर दो सुंदर ऋषि बालक है और सुंदर रामायण का गान करते हैं। भगवान ने किसी को भेज को बुलाया राजसभा के अंदर, भगवान ने बुलाया तो बुलाया, अपने चार भाइयों को बुलाया, बैठो सब मैनेजमेंट, बैठो श्रवण करो, रामायण का श्रवण करो। भगवान राम अपने चार भाइयों के साथ श्रवण करने लगे, सॉरी तीन भाई के साथ श्रवण करने लगे। तो यहाँ हम एक संदेश मिल सकता है। अब याद रखिए, भगवान राम ने दो पाठ में रामायण का श्रवण किया है। कितने पाठ में, ये पहला है, इसमें उत्तरकांड नहीं है। क्यों, क्योंकि सीता अप्रकट होने की लीला बाकी है, ये उत्तरकांड से पहले का भाग है। अब क्या होगा, ये कथा का गान होगा, राम को पता लगेगा मेरे पुत्र हैं, और फिर जाओ सीता का वापस बुलाओ। वापस बुलाते हैं, बोला अग्नि परीक्षा। अब अग्नि परीक्षा की कोई हद होती है इसे कई बार मॉडर्न माताएं भगवान राम को कोसते हैं कि कैसे व्यक्ति थे, इतनी बार परीक्षा देनी पड़ती है। तो हमें ये भौतिक दृष्टिकोण से राम का चरित्र नहीं देखना चाहिए, ये दिव्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सीता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, लक्ष्मी जी है, और राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, विष्णु है, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, सीता बोला ये अग्नि परीक्षा होती है, ये सब होता है, उत्तरकांड होता है, और सीता अप्रकट होती है, राम गुस्से हो जाते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, प्रभु शांत रहिए, उत्तरकांड बाकी है, वो श्रवण कर लीजिए, देवताओं का काम पूरा हो गया है, और फिर आप प्रयाण कीजिए। फिर उत्तरकांड का श्रवण करते हैं उनसे, और फिर लव को उसको राजा बना के भगवान राम अर्पण होते हैं। इस तरह से दो पार्ट में उन्होंने किया। तो रामायण में लिखा है, जब लव कुश महाकाव्य, रामायण को महाकाव्य कहा है, भागवत में 18,000, रामायण में 24,000 है। और रामायण का वर्णन खाली वाल्मीकि रामायण नहीं, लेकिन बहुत पुराणों के अंदर अलग अलग, महाभारत के अंदर मार्कंडी मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को किया, जब वो वन में थे, मार्कंडी मुनि आए तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि मेरे जैसा कोई अभागा राजा हुआ है जिसको स्त्री, जिसके कारण स्त्री को कष्ट उठाना पड़ा, या स्त्री के कारण उसको कष्ट उठाना पड़ा, बोला राम। और रामायण की कथा पूरी हो गई, तब कृष्ण भगवान आ रहे थे, बोला राम आ रहे हैं। कहाँ राम आ रहे, अरे राम आ रहे हैं, मार्कंडेय मुनि ने बताया, महाभारत में वर्णन है, आ रहे थे कृष्ण, बोला राम आ रहे हैं। राम और कृष्ण अलग नहीं है, भाव का अलग है, से भाव, सके भाव, वासले भाव इत्यादि। तो सब लोग ऐसे ही डूब गए, किसकी कथा में, रामायण की कथा में। फिर वहाँ पर लव और कुश ने रामायण का समापन करते हुए महात्म्य में कहा कि ये प्रसिद्ध रामायण जो वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित है, श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वो दीर्घायु होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष में सफलता प्राप्त करेगा, और इसके साथ साथ जन्म मृत्यु जरावैधि से प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम जाएगा। और ये रामायण स्वयं विष्णु से अभिन्न है, ये भी बताया रामायण, रामायण से अभिन्न है। रामायण का श्रवण करना मतलब साक्षात विष्णु से क्या कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने महात्म्य दिया। तो ये क्या प्रसंग बताता है, यहाँ पर एक शिक्षा है, भगवान के गुणों को अगर सुनेंगे तो भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, अगर भगवान के गुणों को नहीं सुनेंगे तो अभी सब बाजार में किसके गुण चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के, इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन की सेवा में लग जाएंगे, बराबर, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं क्योंकि उनका गुणगान चल रहा है। होर्डिंग देखिए, पोस्टर देखिए, बड़े बड़े ऐड हो रहा है, सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, कितने लोग मर रहे हैं, क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं है ऐसे है नहीं है, स्वाभाविक है। हम जिसके बारे में सुनेंगे
तो उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। माता रुक्मिणी जी, श्रीमद् भागवत में लिखा है माता रुक्मिणी जी ब्राह्मणों के माध्यम से नियमित रूप से कृष्ण से, कृष्ण के बारे में शरण करती थी, इसलिए वो उनसे आसक्त हो गई। तो आसक्ति उत्पन्न होती है शरण करने से। मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय तत् सुनू, मेरे बारे में सुनो। तो हम सब जिसके बारे में सुनेंगे आसक्त होंगे, सेवा करने की इच्छा होगी, आदर भाव जागेगा और ईर्ष्या इत्यादि दुर्गुणों का त्याग होगा। भगवान राम कितने दयालु है और भगवान राम कितने स्नेहशील है, और छोटी सी सेवा को भगवान याद रखते हैं, बड़े बड़े अपमान को भूल जाते हैं। रियली हम रामायण को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे ना तो अब हृदय आपका पिघल जाएगा। ऐसे ऐसे प्रसंग है रामायण के अंदर। भगवान राम ने जो दिव्य गुणों को इस दुनिया में प्रकाशित किया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मतलब मैंने पूरा रामायण में सिस्टमेटिक शिक्षा का लिस्ट बनाया है जो 3-4 दिन लगेगा उसकी कथा करेंगे, लेकिन अभी मैं पहले बता देता हूँ। भगवान राम ऐसे व्यक्ति है कि सब कुछ उन्होंने किया रावण वध में, लेकिन क्रेडिट दूसरों को दे दिया, और एक छोटी सी सेवा के लिए बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। उसका प्रसंग ऐसा है कि जब रावण को मार कर जब वापस आए भगवान राम, तो उनके साथ सुग्रीव हनुमान जी इत्यादि थे। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे राज्याभिषेक देखने के लिए, तो आए। जब आए तो भगवान राम ने भरत इत्यादि अपने भाइयों और सुमंत्र मंत्रियों से उनका परिचय कराया। खास करके भरत से बोला ये हमारे परम सखा मित्र है, इनकी कड़ी मेहनत से सीता को प्राप्त करके हम वापस आए। पूरा क्रेडिट किसको दे दिया? सुग्रीव और हनुमान जी को। यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। बोला इनको रहने के लिए मेरा अपना महल दे दो। क्या दे दो? अपना महल। अपना महल पर भगवान राम वन में गए, उससे पहले वो महल था उनका, वो महल उनको दे दो। लोग मोदी जी की चुटनी में ऐसे दम लगा देते हैं, जीवन लगा देते हैं। क्या दिल्ली जाते हैं तो गुजरात से कोई जाएगा यहाँ से सूरत से, क्या वो अपना राजमहल दे देगा? नहीं, नहीं, भूल जाइए। इसलिए राम के गुणों का वर्णन सुनना चाहिए। अब वार्ता भी पूरी नहीं हुई है। भरत ने ऐसे हाथ पकड़ा विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, ऐसा लिखा इंग्लिश में, आदर के साथ। ऐसा नहीं है हारा उच्छरखल बंदर कहाँ से आ गए, ये राम का पल्ले पड़ के कहाँ लोग आप लोग, ऐसे नहीं। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट आदर हाथ पकड़ा, आइए हमारे साथ। हाथ पकड़ के ले गए। ये है राम की सेवा करने की वैल्यू। राम ने कहा इनका ऋण भूलूंगा नहीं, वहां पर भरत को बताया। और फिर जो भरत जो रहता था वो गांव का नंदीग्राम, नंदीग्राम से जब भगवान राम अयोध्या जा रहे थे राजमार्ग पर, तो राम पब्लिकली, रामायण में श्लोक है, भगवान राम ऐसे चाहते थे मेरे 5 मुख प्रकट हो जाए और 5 मुखों से मैं बंदरों के पराक्रम का वर्णन करूं। वो अपने मंत्रियों, राजर्षियों, राजाओं के सामने बंदरों के पराक्रम, सुग्रीव ने इसको ऐसे मारा, इस बंदर ने इसको ऐसे मारा, इस बंदर ने इसको ऐसे मारा। इतने भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते थे। एक शिक्षा ऐसी है, सुग्रीव जब ये सब लंका पहुंच गए, मैं डायरेक्ट कूद का मार के लास्ट में जा रहा हूं, लेकिन मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि भगवान क्या है और सामान्य जीव क्या है, और भगवान हमसे कितना स्नेह करते हैं। हम अभी बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए भगवान हमसे जो आदान प्रदान करते हैं ना उसका फीलिंग नहीं होता है अभी हमें। आदान प्रदान तो करते हैं, कई बार हम इतना सेवा करते हैं ऐसे ही खड़े हैं, ये गौर निताई कभी हाथ नीचा ही नहीं करते हैं, कभी बोलते ही नहीं है, कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मेरी सेवा स्वीकार हो रही है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो रही है, सब हो रही है, लेकिन समस्या हमारे अंदर है। जैसे 2 मोबाइल में बात करते हैं ना, जिसका टावर खराब होता है वो बोलता हलो 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 हलो, उसका रिसीवर खराब है, हमारा रिसीवर खराब है, वहाँ से तो आवाज़ निकलती है कि आपकी सेवा रिसीव हो गई है, आपकी प्रार्थना रिसीव हो गई है, वो आवाज़ भगवान भेजते हैं लेकिन टावर नहीं काम करता है। हलो हलो हलो, हृदय के अंदर काम क्रोध भरा हुआ है ना, इसलिए। तो हुआ क्या, सुग्रीव है और लंका पहुंच गए युद्ध होने से पहले, अलग दिग्नि बात है, रावण निरीक्षण करने के लिए आया कितने बंदर आए हैं। तो ये बहुत ऊंचे मेल के टेरेस पर चढ़ गया वो और मंत्रियों के साथ बैठा, इधर बहुत ऊंचे पर्वत पर राम सुग्रीव हनुमान जी थे,
अब सुग्रीव क्या है, गरम खून हो रहा था, उकल रहा था, सीधा छलांग लगाया वहां पर, फाट देन एक राम रावण को थप्पड़ मारे, फाट गिरा दिया और दोनों युद्ध करने लगे। और रावण देखा कि मैं अगर सामान्य बल का प्रयोग करके युद्ध करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मायावी शक्तियों का उपयोग किया और सुग्रीव को पता लग गया, छलांग देनी वहां चले गए वापस। राम का मूर्ख दुस्साहस किया, तुमने मेरी आज्ञा लिए बिना दुस्साहस किया। पहले भगवान राम ने डांटा, प्रेम से डांटा, फिर कहा अगर राम ने तुमको मार दिया तो मैं क्या करता, मैं विभीषण को राज्य दे देता, सॉरी पहले मैं रावण को मारता गुस्से में आकर, अधर्म से रावण को मारता, अधर्म से मतलब जो धर्म युद्ध नहीं, एक्साइटेड होके गुस्से में आकर मार देता, फिर विभीषण को राज्य दे देता, फिर मैं शरीर त्याग कर देता, क्योंकि मुझे लज्जा आती कि मेरी उपस्थिति में मेरा मित्र मर गया, मैं नहीं जी सकता। ये राम है, ये राम है, ऐसे राम की कथा सुननी चाहिए। इतना भगवान राम स्नेह करते थे अपनी प्रजा से। ये दिवाली इसलिए मनाते हैं, जिस दिन राम वन में चले गए लोगों ने उजाला करना बंद कर दिया, राम के बिना जीवन में क्या है, राम वापस आए प्रकाश। ऐसी कई सारी लीलाएं, पूरी लीलाओं से भरी हुई रामायण, एक एक लीला में आप पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं इत्यादि है, हमको शरण करना चाहिए तो हम राम से क्या उसे आसक्त होंगे, स्वाभाविक उनके हमारे प्रति समर्पण जागेगा। और श्रीमद् भागवतम का शरणताम स्वर्णताम सुखता कृष्ण पुण्य सर्वकीर्तन हृदय अस्तो ही अभद्राणी सुदोदी सुहद सताम नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठा उत्पन्न होगी, भगवान की कथा सुनने से। अब मैं कथा जाऊंगा इस प्रसंग में कि भगवान राम कैसे प्रकट हुए। तो दशरथ महाराज को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, वो यज्ञ करने की सोच रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो उस अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में राम प्रकट होने से पहले की कथा है, ऋषि श्रृंग की कथा। किसकी कथा, ऋषि श्रृंग, उसमें महत्वपूर्ण शिक्षा है हम जैसे लोगों के लिए। तो एक बात, अंग देश के राजा जिनका नाम था रोमपाद, राजा रोमपाद, उनका कुछ अपराध था, पिछले जन्म का या इस जन्म का, एक्चुअली वो भूल गया शब्द, कोई अपराध था और अपराध के कारण बारिश नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी, देखो बारिश नहीं होती तो किसरा अपराध हो सकता है, राजा का भी हो सकता है प्रजा का भी हो सकता है, लेकिन इस केस में राजा का था। उनका मेरा कोई अपराध है इसलिए देवराज इंद्र बारिश नहीं कर रहे। तो ब्राह्मणों ने पूछा कि देवराज इंद्र बारिश कैसे कर सकते हैं, वो सब मंत्री थे, सब बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा एक रास्ता है, वी भंडक नाम का ऋषि है, उसका एक पुत्र है ऋषि श्रृंग, वो हिरण के सिंह थे ऋषि श्रृंग, वो अगर आपके राज्य में अपना पैर चरण स्पर्श रखे तो देवराज इंद्र को बारिश गिराना पड़ेगा। हाँ तो समझे क्या, लाओ, ऐसे नहीं ला सकते भाई, क्यों, उसका बाप बहुत खतरनाक है, श्राप दे देगा ना तो ये तो बारिश का प्रॉब्लम है, सब भस्म हो जाएंगे, बहुत गुजरा देंगे, आपत आ जाए ना, सुन क्या उलमाती चूलमा पड़ी जाए, ये गुजराती में कहते उलमाती चूलमा, चूल में चूल्हा, उल में से चूल्हे में पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसा जो भी है तो और संकट कर देगा। क्या रास्ता है, फिर ब्राह्मणों ने एक रास्ता निकाला, रास्ता ये है कि हमारे राज्य की गणिकाएं, गणिकाएं मीन्स पहले जमाने में वैदिक संस्कृति में राजा का मनोरंजन करने के लिए राज्यसभा में नृत्य इत्यादि करती गणिकाएं, सुंदर कन्याएं रहती थी ऐसे, उनको भेजते हैं और वो उनसे आकर्षित हो जाएगा, उसको आकर्षण करके हम ले आएंगे, ठीक, आप लोग जैसी चाह, मेरी आज्ञा है भेजिए। वो सब गणिकाएं तैयार होके गई और भी भांडक मुनि हैं, वो जब वन में दूसरे काम लिए गया तो उसका बच्चा ऐसे ऐसे टहल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये दूर से ये गणिकाएं गई, पूछा अच्छा वो मिला ऋषि सर, अच्छा आप लोग ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि, अब उन्होंने तो स्त्री तो देखा ही नहीं था, अपने पिता के सिवाय किसी मनुष्य को देखा ही नहीं था, वो समझे ये एक अलग टाइप के ऋषि है। ये रियल ऐसे लिखा रामायण, जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने सर नहीं देखा कुछ नहीं, अपने बेटे को ऐसे पूरा प्रोटेक्शन में रखा था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा। अब हुआ क्या, तो बोला आई हमारे कुटीर में आई,
स्वागत किया, खिलाया, कंदमूल इत्यादि जो भी है खिलाया, और उन्होंने स्वागत किया तो जाते समय इन्होंने स्वागत किया कि हमारा स्वागत करने की रीत है आलिंगन करना, और उन्होंने सब आलिंगन किया तो ये समझता हमारे पिताजी के समान ये लोग। जैसे आलिंगन किया तो स्त्री का स्पर्श होने से उनके मन के अंदर काम वासना का संचार हो गया और वो लोग चले गए, बोला कल मिलेंगे फिर से। उनको डर लग रहा था कि विभाणक ऋषि आ जाएंगे, थोड़ा 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 करके इसको पकड़ेंगे, ऐसे चले गए। दूसरे दिन फिर आए और ये बेचैनी इंतजार कर रहा है कब वो लोग आएंगे, ऋषि मुनि कब आएंगे, ऋषि मुनि कब आएंगे, क्योंकि काम वासना ने अब उनके घर हृदय में घर कर दिया। दूसरे दिन फिर से आए, आज तो समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब लेके आए। बोला हम आपके लिए कंदमूल लाए। अच्छा ये कंदमूल है, रसगुल्ला, ये तो कंदमूल बहुत अच्छा है, पिताजी ने कभी नहीं खिलाया, समोसा खाया ये, वो कंद बेचारे ने कभी खाया ही नहीं, क्या होता है कंदमूल खिलाया, तो ये सोच रहा है एक अलग प्रकार का कंदमूल है। फिर उनके साथ बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ, वो मीठी वाणी सुनी। बोला आप लोग कहाँ रहते हैं? बोला वैसे हमारा स्थायी घर नहीं है, हमारे ऊपर तरता घर है, वो लोग नाव के ऊपर घर बना गया है। किसके ऊपर घर बना गया है? फर्स्ट क्लास रूम, अंदर एसी वेसी, फाइव स्टार, आज क्रूज नहीं है, ऐसे ऐसे क्रूज बनाया था। हाँ, बोला आप आइए, बड़ा आनंद आएगा, हम वहाँ पर ये सब कंदमूल खाएंगे, बातें करेंगे, आनंद प्रभु करें, फिर शाम को वापस आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बैठा, बाहर से तो दरवाजा सब बंद कर दिया, और फिर नाव को क्या किया, हंकाया, भागाओ इसको, और सीधा वो नदी के किनारे आगे रोमपाद महाराज के राज्य में। और जैसे ही उन्होंने पैर रखा, देवराज इंद्र धार 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 बारिश करने लगे, और फिर रोमपाद महाराज के महल में आया, आराम हुआ। उसके बाद आराम करने के बाद रोमपाद महाराज हाथ जोड़ के गए, क्षमा करना, हम आपको यहाँ से धोखा देकर लाए हैं। क्या देकर लाए? क्योंकि ऋषि थे ना, श्राप मिल जाएगा। बोला हमें अभयदान चाहिए। बोला क्या अभयदान? आप और आपके पिताजी हमको किसी भी प्रकार का श्राप ना दें। बोला चिंता मत कीजिए, अभयदान कोई नहीं देगा। और उसके बाद जो शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी और ये इनके मित्र थे, और उसको अर्पण किया, विवाह किया। तो यहाँ शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि एक तो हम कृत्रिम रूप से इंद्रिय तृप्ति का इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, कृत्रिम रूप से। एक स्वाभाविक रूप होता है इंद्रियों का दमन करने का, इंद्रिय दमन होती है हायर टेस्ट से। भगवद्गीता में श्लोक है, विषया विनिवर्तते निहारस्य देहिनम रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टानि वर्तते। जब हमको कृष्ण भक्ति का उत्कृष्ट रस मिल जाता है, तब हम निकृष्ट रस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब तक ऊंचा रस नहीं मिलेगा, तब तक नीचा रस हम आर्टिफिशियल नहीं छोड़ सकते। रस में रहना, रस प्राप्त करना, ये जीव का क्या है? स्वभाव। भगवान रस के सागर है, वो एक पुस्तक है ना, क्या नाम उसका, रस, रस राज कृष्ण, रस समस्त रसों के राजा है, और सभी रस उनसे आते हैं, और रस हमारे लिए बना है। लेकिन जब उत्कृष्ट कृष्ण भक्ति का रस नहीं मिलता है, तब तक ये निकृष्ट रस जाता नहीं है। एक ये शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है कि हालांकि विभाणक ऋषि ने अपने पुत्र को प्रोटेक्शन में रखा था, बचाव करके, फिर भी माया ने झपट लिया। इसका मतलब है हम पाताल में जाएंगे, कहीं भी छुप जाएंगे ना, तो माया हमको छोड़ेगी नहीं। अल्टीमेट माया के साथ क्या करना है? युद्ध करना है, युद्ध करना है, छोड़ेगी नहीं। सौबरी मुनि पानी में तपस्या कर रहे थे, उनको लगा देवराज इंद्र किसी अफसर को पानी में नहीं भेजेगा। कहाँ नहीं भेजेगा? पानी में नहीं भेजेगा भाई, जमीन पर आती अफसर है, पानी में थोड़ी आएगी। इतने बड़े थे पानी में, वहाँ भी माया ने उसको क्या किया? पकड़ लिया। तो माया कहीं भी आ सकती है, आकाश, पाताल, स्वर्ग, जनलोक, तपलोक। अल्टीमेट हमारा है हृदय शुद्ध करना, ये। और अगला प्रसंग ये आता है कि भगवान राम आने से पहले, भगवान राम की आगाही की बहुत सारे प्रसंग जो है यहाँ पर मैं बताऊँगा नहीं, रामायण में लिखे हुए हैं कि राम आएंगे। बहुत सारे प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने सारे प्रसंगों का वर्णन है। उसके बाद मैं कथा पर आता हूँ। रामायण प्रभु, हाँ दीजिए, मुझे चाहिए ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही, मेरे हाथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो विश्वामित्र का आगमन हुआ, विश्वामित्र कुछ यज्ञ कर रहे थे, और
सहायता के लिए दशरथ महाराज के पास आए और दशरथ महाराज बड़े सम्मान के साथ राजसभा में ले गए और बड़े ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका अभिवादन किया। कैसे अभिवादन किया, श्लोक भूल गया मैं। हे ऋषिवर्य, संसार चक्र को जीतने का प्रयास आपका सफल हो ऐसी शुभकामनाएं। जब हम मिलते हैं तो क्या बोलते, केम चो, कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसा नहीं पूछा। क्यों? तो इसके बारे में प्रसंग आता है, जब चार कुमार पृथ्वी महाराज के वहां आते हैं तो पृथ्वी महाराज कहते हैं, हे चार कुमारों, हे कुमारों, मैं आपको ऐसे नहीं पूछूंगा भी आप कैसे हैं। क्यों? आप परमानंद में हमेशा, जो परमानंद में है उसको कैम छो पूछने का कोई प्रश्न नहीं है। और उन्होंने बोला भौतिकवादी व्यक्ति को भी कैम छो पूछने का कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? वो हमेशा क्या रहेगा, दुखी। और वो हमेशा क्या रहेगा ऐसे हम पूछते कैसे हो, ये शिष्टाचार, लेकिन है दुखी। बताता है मैं मजे में हूं, लेकिन मजे में इस दुनिया में कोई है नहीं, सब दुखी है। हनुमान दास एक बार मेरे से मजा कर रहे थे, बोले कृष्ण है ऊपर बैठ के मजा मार रहे हैं, हम सबको वहां दुखी अवस्था में डाल दिया है। पता है हनुमान दास को एक बार बोला तो मुझे याद है, ये कृष्ण मजा मार रहा है और हमको ये बहुत ही जगत में रख दिया है ऐसे। एनीवे, तो यहां पर एक शिक्षा मिलती है, इसके लिए होना चाहिए ये जो प्रयास है। वो श्लोक बहुत सुंदर है, याद है कि जो तीनों लोकों में क्या, तीनों लोकों में जो चीज उपलब्ध नहीं है उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तीनों लोकों में क्या उपलब्ध नहीं है, कृष्ण प्रेम, उसके लिए हमारे को प्रयास चलना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में कहा है कि हमारा प्रयास किसके लिए होना चाहिए, एताव सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठा जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परम पुंसा, मनुष्य जन्म का परम लाभ है अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण याद होना चाहिए, ये मनुष्य जन्म का क्या है, लाभ है। और बंगाली में एक कहावत है, भजन करो साधन करो मात्रे जाने ले होय, हाँ तस्सेव हेतो परदेत कोविदो न लभ्ये यद भरम उपर भरम ताम उपर यदः तल्लभ्यते दुख वदन्ते सुखम सर्वत्र कालेन गंभीर रसा। तस्सेव हेतो परदेत कोविदो, कोविंद बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस चीज के लिए प्रयास करे जो तीनों लोकों में अवेलेबल नहीं है। तो कोई बोलेगा मेरे सुख का क्या, तो यहाँ बताया है जिस तरह दुख भी अपने आप आता है, बिना फोन किए, बिना इंडिकेशन दिए, बिना व्हाट्सएप किए आता है, ऐसे सुख भी ऐसे ही आएगा। हमारे जीवन में सुख लिखा है मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उसके एक एक प्रसंग है उसके बारे में। एक लड़का था, पढ़ाई में फेल, बिजनेस में फेल, नौकरी में फेल, इसमें फेल, समाज में फेल, और लास्ट में किसमें सक्सेस होगा? एक तो सक्सेस हो सकता है क्या, आत्महत्या। वो बेचारा पर्वत पर गया, पहले से मेरे पंखा नहीं था तो पर्वत पर गया, बोला ऊपर से छलांग लगूंगा नीचे गिर जाऊंगा, जहर था नहीं, मर कैसे जो भी है। तो अब उसने ऊपर से छलांग लगाया। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, याद रखिए कि हमारे जीवन में सुख लिखा है तो कैसे भी आ जाएगा। अभी आत्महत्या करने गया, नीचे एक राजा की राजकुमारी कन्या अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। अब हुआ क्या, वो मगर था, वो आ रहा है उसको पकड़ने की तैयारी में, और वो आत्महत्या करने वाला सीधा मगर के ऊपर गिरा और मगर घबरा के भाग गया। तो राजकन्याओं ने सोचा कि ये हीरो है, ये हीरोइन को बचाने के लिए बेचारा डाई मारा है, और वो हो गया बेहोश। क्या हो गया, और पानी में नदी था, बहाव था, पानी में खींच रहा है, और वो उसके जो रक्षक थे, अंग रक्षक, बोले ए, इसको बचाओ बचाओ बचाओ, महाराज को संदेश भेजाओ, आपकी एक ही एक लाडली पुत्री थी उसको मगर खाने वाला था, लेकिन ये लड़के ने उसको बचाया। अब ये लड़का होश में आया, तब तक तो बैंड बाजा तैयार, भूपोड़ी भूपोड़ी बज गई, शादी तैयार, आधा राजे दे दिया, आधा राज को दे दिया। अब ये देखिए, गया था तो मरना है, लेकिन राजे मिल गया, क्योंकि उसके जीवन में लिखा था यद्यर लाभ संतुष्टो, भगवद गीता में यद्यर लाभ संतुष्टो,
छोटे से प्रयास से हमको भगवान जो देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन हमारा इंडेवर जो विशेष प्रयास है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर पर जीतने के लिए हमारा इंडेवर होना चाहिए प्रयास। तस्व है तो परेद कोविद, कोविद मीन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए। ये यहाँ पर एक शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा यहाँ भी है कि नारद जी वसुदेव जी के घर द्वारका में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं आपका दर्शन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करने वाला है। तो इस तरह से ये एक शिक्षा है। तो फिर आए कौन? विश्वामित्र। बताया क्यों आया? बोला मज्जा चाहिए, यज्ञ कर रहा हूँ, असुर लोग परेशान कर रहे हैं, तो यज्ञ ठीक है आता हूँ मैं। ना आप नहीं, सैनिक भेजता हूँ नहीं, सेनापति भेजता हूँ नहीं, तो फिर क्या चाहिए? राम चाहिए, राम। ऐसे गिर गए वहीं पर सिंहासन, बेहोश हो गया ऐसे लिखा। और राम से इतने आसक्त थे कि राम को लेने, वो तो राम छोटे थे अभी, तो बोला राम को ले जाएंगे मेरे, राम को, राम असुरों से कैसे लड़ेगा है, इतना अभी तो बालक है, इसको धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, ये असुर मेरे बच्चों को मार देंगे, इस तरह से वासले भाव के अंदर वो मोहित हो गए। और उससे पहले उन्होंने प्रॉमिस दिया कि आपकी जो भी इच्छा है हम पूरी करते, मैं वचन देता हूँ। अब क्या हुआ, जो अपने वचन से मुकरने लगे तो विश्वामित्र की छटकी, इतने क्रोधित हो गए और दस मास वो दुष्ट गुजरा देंगे, एवो पाक्यो, एवो पाक्यो, गुजरा देंगे पाक्यो, मतलब वो बुरा बच्चा निकला ऐसे गुजरा देगा। इस्वाकु वंश के अंदर तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं हुआ है जो वचन दे के घूम गया हो, तुम वचन दे के घूम रहे, तेरे को लज्जा नहीं आ रही है? इस तरह से बहुत डांटा। और दशरथ महाराज अब कंफ्यूज हो गए, एक एक में भगवान राम का स्नेह और एक में एक साधु के दिए हुए वचन के पालन की। कार्पण्य दोषो पास्त सभा परछामि तवाम धर्म समूढ़ सेता यत श्रेष्ठानिसितम रुहितं मे शिष्ये स्तेहं साधिमाम तवाम प्रपन्नम। कंफ्यूज हो गए क्या करना है। वशिष्ठ ने देखा मेरा शिष्य कंफ्यूज हो गया है, जैसे भगवान ने देखा अर्जुन कंफ्यूज हो गया है। अर्जुन उनके शरण में गया, बोला कार्पण्य दोषो पास्त परछामि तवाम धर्म समूढ़, अब मेरा धर्म क्या है? सेम प्रश्न है, मेरा धर्म क्या है? पुत्र की रक्षा, साधु का वचन पालन करना। कंफ्यूज हो गया, तुरंत वशिष्ठ मुनि गए, महाराज डरने का कोई कारण नहीं, आपने वचन दिया है हमको पालन करना है। फिर उन्होंने विश्वामित्र के सामर्थ्य का वर्णन किया, बोला आप इनका सामर्थ्य कम मत आंकिए, ये बहुत शक्तिशाली है, इन्होंने तपस्या करके शिवजी से समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और वो दिव्यास्त्र आपके पुत्रों को मिलेगा। इस तरह से उन्होंने अलग अलग दृष्टांत देकर समझाया 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 और एक मानसिक स्थिति के अंदर बार लाए, वो जो मानसिक स्थिति थी पहले बार लाए, स्वस्थ मन हुए और उनके हृदय में भय कम हो गया विश्वामित्र का पावर सुनने कारण। उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ विश्वामित्र, मैं असुरों को मार सकता हूँ, लेकिन ये साधु को शोभा नहीं देता, ये काम क्षत्रियो का है, हत्या इत्यादि करना साधु को शोभा नहीं देता। इस तरह से फिर उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ क्या शिक्षा है बताएं? हमारे लाइफ के अंदर एक गुरु चाहिए। क्या चाहिए? ऐसी दुविधा के अंदर हमको क्या करे, गाइड करे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वशिष्ठ नहीं होते तो क्या होता बताए? विश्वामित्र क्या देते थे? श्राप और सत्यनाश हो जाते। उनके गुरु ने उसकी रक्षा की, धर्म पालन किया, यश बढ़ाया उनका, इस समय तो बड़े प्रसन्न हो गए बाद में। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको एक अच्छा गुरु मार्गदर्शन चाहिए जिसके शरण में रह के हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। और फिर आगे कथा आती है राम को लेके गए, तो वो प्रसंग है, मतलब उसकी शिक्षा ये, अधर्मी को सजा होनी ही चाहिए, जो अधर्मी है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, सबसे पहले ताड़का को मारा भगवान राम किसको मारा? अब विश्वामित्र ने बताया ये ताड़का है, राम बहुत अचकचा है यार, स्त्री का वध शास्त्र मना किया है, बालक स्त्री वृद्ध बहुत सारे लोग हैं जो अवध्य है, ब्राह्मण इत्यादि अवध्य है, लेकिन ये अवध्य लोग जब अपनी मर्यादा का एक लेवल से उल्लंघन ऊपर कर देते हैं तब ये पनिशमेंट के
अधिकारी है, मतलब उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए उनके शुद्धिकरण के लिए। तो विश्वामित्र ने दो दृष्टांत दिए कि आप हिचकिचाइए मत। एक दृष्टांत दिया कि जब विरोचन की पुत्री ने समस्त पृथ्वी को ध्वंस करने का संकल्प लिया तो देवराज इंद्र ने उसका क्या कर दिया, वध कर दिया, वो मान्य था। दूसरा, भृगु मुनि की पत्नी ने इंद्र के वध की इच्छा किया, संकल्प किया कि मैं इंद्र को वध कर दूंगी, भगवान विष्णु ने उसका गला काट। ये कथाएं लंबी है, इसका बैकग्राउंड मैं यहां नहीं करूंगा। तो फिर भी राम इसके लिए, राम ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, हाथ पैर काट दूंगा बस, कम से कम जिंदी रहेगी, वध तो नहीं हुआ, प्राण तो नहीं गए, लेकिन मायावी शक्तियों का प्रयोग किया राम के ऊपर किसने, ताड़का ने, और अंत में भगवान राम ने बाण से उसका वध कर दिया। अब आगे जाके प्रसंग आता है त्रिशंकु का। त्रिशंकु से हमको बहुत अच्छा क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है। ये त्रिशंकु है, ये इक्ष्वाकु वंश का राजा है, याद रखना, ये राम से पहले होंगे। अयोध्या के अंदर भी कहीं छोटी जगह, अयोध्या मतलब पूरा उस समय बड़ा वो था, कहीं राजा के रूप में, गौण राजा, प्रधान चक्रवर्ती सम्राट अलग थे और गौण राजा के रूप में था ये त्रिशंकु। अब त्रिशंकु ने एक संकल्प किया कि मुझे इस शरीर के साथ मेरी योग्यता हो या ना हो, कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। तो यहाँ पर एक बहुत संदेश मिलेगा कि बिना योग्यता के कोई चीज़ प्राप्त करना वो कितना खतरनाक है, एक। दूसरा, सस्ते गुरु ढूंढना, सस्ते गुरु होते हैं ना, मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे सब कामना पूरा हो जाए, थप्पा मारते जा बेटा तेरा हो गया, ऐसे सस्ते गुरु इत्यादि, ये बहुत खतरनाक है। ये कथा इसमें हम समझाएंगे। और गुरु और चेलो दोनों का क्या होता है, दोनों को मिलेगा। अब उसने क्या किया, वो वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु है, याद रखिए, खाली अयोध्या के नहीं, पूरे इक्ष्वाकु वंश के जो वंश प्रांचल है वहाँ के वो कुल गुरु है। इस वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ को बोला कि मुझे ऐसा अश्वमेध यज्ञ करो या ऐसा यज्ञ करो, इस शरीर के साथ मुझे फोर्स में कहाँ भेज दो, स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ ने कहा ये असंभव है और ये शास्त्र के विरुद्ध है, ना तो तुम्हें ऐसी इच्छा करनी चाहिए और ना ही कोई व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए, मना कर दिया। उसने मना किया, फिर भी वो उनके पुत्रों के पास गया, 100 पुत्र, वशिष्ठ के कितने पुत्र, 100 पुत्रों के पास गया, वो यज्ञ में लगे हुए थे, वो ब्राह्मण थे ऐसे, उनके पास गया और त्रिशंकु ने कहा कि मुझे यज्ञ करके स्वर्ग भेजिए आप लोग। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया। अरे तुम्हारी ये धृष्टता, पिताजी ने मना किया फिर भी तुम हम वापस आए, तुमको शर्म नहीं आई, उन्होंने मना किया, उन्होंने मना किया तो त्रिशंकु ने धमकी दिया, अगर आप लोग मुझे मदद नहीं करते हैं तो मैं आपका त्याग करता हूँ, मतलब कुल गुरु के रूप में दूसरे गुरु के पास जाऊँगा, लेकिन मैं इस शरीर के साथ कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा। अब ये सुना तो विश्वामित्र के जो वशिष्ठ के जो पुत्र है उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम निषाद बन जाओ, निषाद मीन्स कुरूप, वो कुरूप बन गया। फिर क्या हुआ, ये सीधा किसके पास गया, विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र के पास इसलिए गया कि वशिष्ठ का कॉम्पिटिटर है और विश्वामित्र को बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस में से भाजपा में आया पार्टी आप समझ रहे, कोई पार्टी चेंज करता है ना अच्छा लगता है, साला आ जाओ चिंता मत करो, तेरी जो भी कामना है मैं पूरी करूंगा, हाँ जो काम वशिष्ठ ने नहीं किया मैं करके बताऊंगा, ऐसा। वो तो बहुत राजा था और उसने उसका आश्रय लिया है, बड़ा अच्छा लगा पार्टी चेंज हो गया है ऐसे। अब क्या हुआ, विश्वामित्र ने कहा भाई जो काम वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्रों ने किया वो काम हमें करना है। उन्होंने अपने 3 पुत्र बचे थे, बाकी के तो मर गए, वशिष्ठ ने मार दिया। अब ये जो प्रसंग है, उसी समय विश्वामित्र जी तपस्या में लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन करने के लिए, किसके, विश्वामित्र वशिष्ठ के कॉम्पिटिशन करने की तपस्या में लगे हुए हैं, उनकी तपस्या चल रही है, बिटवीन में ये प्रसंग आया है, बीच में याद रखना। 2 बार तपस्या, 3 बार बाद में करेंगे, 2 बार तपस्या हो गई है, पहली तपस्या किया वो वशिष्ठ से झगड़ेगा, शिवजी ने दिव्यास्त्र दिया, फिर वापस आए, ब्रह्मदंड से सब दिव्यास्त्र विफल हो गए, अब तीसरी बार तपस्या का प्रयास
चल रहा है, ब्रह्म ऋषि पद चाहिए, उससे नीचे तो नहीं चलेगा। तो इसके पास गया, उन्होंने कहा जाओ पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं यज्ञ करने वाले उनको पकड़ के ले आओ, जो नाम बोलता है डायरी में नाम लिख के मेरे पास लाओ, मैं उनको देख लूंगा। क्या बोला? जो मना करता है उसका नाम लिख के देना मेरे को, मैं देख लूंगा उसको। तीन लोगों ने मना किया, बाकी सब विश्वामित्र डर रहे थे, और विश्वामित्र पावरफुल थे, भी देखना उसका रिजल्ट बताऊंगा मैं आगे। तीन लोग कौन थे? एक तो सरभंग ऋषि, ऐसा कुछ नाम सुना, जो भी हुआ ये यज्ञ करने वाले ऋषि थे, सरभंग नहीं थे, दूसरा कोई ऋषि था, एक दूसरे वशिष्ठ और तीसरे वशिष्ठ के पुत्र। तो उन्होंने श्राप दिया कि वशिष्ठ के पुत्र ने मना किया, राख हो जाओ, सब पुत्र मर गया खाली बोलने से, क्लास। और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सांप की असर हो गई और मर गए, मना किया ना ऐसे, सब डर गए वो, और यज्ञ शुरू किया। और जैसे यज्ञ किया, यज्ञ के पावर से ये उड़ा ऊपर, ऊपर गया। देवराज इंद्र ने देखा बिना क्वालिफाइड का व्यक्ति आ रहा है, वज्र फेंका और ऊंधा लटक गया वो। अब देवराज इंद्र ऊपर से धक्का मार रहा है, ये यज्ञ के प्रेशर से ऊपर मार रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बहुत बार ऐसा ऐसा हुआ तो फिर सभी देवता है विश्वामित्र को बताए, ये अच्छा नहीं है, यह नहीं देता है, आप तपस्या के मार्ग पे जा रहे हैं और बिना क्वालिफाइड को वहाँ भेजते हैं, वो डिस्टर्बेंट क्रिएट करेगा वहाँ पर, वो रहने का अधिकारी नहीं है। विश्वामित्र के बाद नहीं, आपको इसको लेना ही पड़ेगा। तो फिर लास्ट में नहीं लिया, ठीक है मैं अपना स्वर्ग बना देता हूँ, जाओ तुम्हारा स्वर्ग मेरा नहीं चाहिए। अपना स्वर्ग क्रिएट कर दिया, किसने? विश्वामित्र। अब क्रिएट तो कर दिया, तो पावर पूरा क्रिएट करने में हो गया, जो योगिक शक्ति थी वो पावर उसमें यूज हो गया ना। अभी मान लो कोई हमको मकान बनाना है 25 लाख का बनाना है, और 25 लाख दूसरे के लगना है, 50 लाख खर्च हो जाए तो फिर क्या रहेगा? क्या पूरी एनर्जी चली गई, अब वो स्वर्ग नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसको टिकाने की मेंटेन करने के लिए चाहिए ना, बना तो दिया मेंटेन नहीं है, वो नीचे आ रहा है। विष्णु भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु लाज रखो, आप मेंटेन करते हैं पूरे ब्रह्मांडों को, हवा में तैरते हैं, ये स्वर्ग को मेरा स्वर्ग भी हवा में तैर कर रखिए। विष्णु भगवान आए और डांटा, ए डोंट एंटर इन माई जोन, ये सर्जन करना टिकाना मेरा जोन है, ये तेरा जोन नहीं है। तो बिना काम का इसमें पड़ गया है, प्रभु कुछ भी है मेरा शिष्य है, मेरा आश्रय लिया है, कुछ करिए। और ठीक, स्थिर रख दिया तीर्थंकर को, वहाँ पर लटक रहा है अभी, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आए। तो ये क्या है, अगर हम सस्ते गुरु के पास जाएंगे ना, ना वैंकुंठ जाएंगे न वापस आएंगे, बीच में लगेंगे। रियली वी चीप गुरु के पास गए तो ऐसा हालत होगा इसका, ये त्रिशंकु का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भाई। वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, शास्त्रिक थे, विद्वान थे, प्रमाणिक, उसका त्याग करके उसने जो अभी तक गुरु की पदवी पर आए नहीं है उसको पकड़ा, अभी तुम कृत्रिम रूप से स्वर्ग भेजो, कल उठ के कोई ढोंगी गुरु आता है बोलो तुमको भगवान धाम प्राप्त करा दूंगा, तो समझ जाना वो आधे में लटका के छोड़ देगा। को अभी भी लटक रहा है बेचारा। तो ये इस तरह की शिक्षा है। अब तो ये शिष्य की दशा हुई, आगे देखेंगे गुरु की दशा क्या होती है। विश्वामित्र का 3 बार पतन हुआ है, कितने बार पतन हुआ है? 3 बार। बहुत कष्ट झेलना पड़ा उनको, बहुत कष्ट झेलना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग प्रमाणिक गुरु को छोड़कर ढोंगी गुरु के पास जाएंगे और इस तरह का उनका जो बिना शास्त्र के प्रमाण है इस तरह से उपदेश देंगे या लोभी होंगे तो फिर भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे नहीं। ऐसे रामायण में बहुत सारी शिक्षाएं, समय मिलेगा भगवान की योजना होगी तो फिर कभी ये कथा करेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा मेरा अनुरोध है, मैंने इसको 50 बार पढ़ाया, कितनी बार पढ़ाए? इतनी मधुर और इतनी सुंदर है काव्य के रूप में भगवान राम की कथा, ऐसे पढ़ने से आपको एक राम के दिव्य गुणों का ऐसे उजागर होगा, ऐसे रियली।